गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज के नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सो आज हम जाने वाले सोशल मीडिया ग्रोथ कॉन्क्लेव में। आई एम वेरी श्योर आप में से काफी लोग आ रहे हैं, वहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनने वाला है, तो बहुत धमाल होने वाला है। चलो आज का बहुत ही एक्साइटिंग डे शुरू करते हैं। सो अब मैं ब्रेकफास्ट करने वाला हूँ प्रांजल के साथ। आई एम वेरी श्योर जिस तरीके से प्रांजल मुझे आज इनसाइट देने वाले ना, मैं भी धीरे धीरे ना वैल्यू इन्वेस्टिंग सीखूंगा इनसे, स्पेशली सिखाऊंगा ना सब। अरे सर आपको सब आता है सर? अरे नहीं, अरे सर सब तो किसी को भी नहीं आता, बट वैल्यू इन्वेस्टिंग सिखाओगे ना सर जितना। तो आज मैं ना स्पेशल पर्सनल टिप लेने वाला हूँ प्रांजल से। सारी फाइनेंस की डिग्री है इनको। बाय द वे प्रांजल ना मेरे को एक अभी ऐसा स्टॉक बताने वाले जो अगले महीने में 10 गुना होने वाला है, है ना? और उस पर ये स्पेशली वीडियो भी बनाने वाले हैं। इनके चैनल पे बहुत जल्दी वीडियो तो भी आ जाएगा, बट ये पहले मुझे बता देंगे। ये बोलना चाह रहे हैं अगले महीने से मैं स्कैमर बनने वाला हूं। वो स्कैम पे एक्चुअली वीडियो बनाना है भाई, वो स्कैम पे बनाना है। उन्होंने एक गजब आइडिया दे दिया है, उस पे वीडियो आ रहा है। अन भाई आ गए जो हमारे फोन नहीं उठाते। फोन क्यों नहीं उठाते बताओ? अच्छा ये भाई मचाते रहो, भाई भी आ गए फाइनली। Excited for the event? अरे मेरा पहला physical event है life का, तो मैं तो बहुत excited हूँ। सर आपने तो किया हुआ है कुछ tips? नहीं but मैं भी बहुत excited हूँ क्योंकि 2020 COVID के बाद हुआ ही नहीं ना, तो इतना 3-4-5 हज़ार लोगों का मजा बवाल मचेगा। मैं तो आज तक 50 लोगों के सामने नहीं गया सर। अरे कहने आपको तो आदत है। सर आप 40 लाख लोगों के सामने जा रहे हो। 1 लाख वाला इवेंट किया सर? नहीं वो मैंने नहीं किया था, वो एलन ने किया था। अटेंड किए थे, आई वॉज पार्ट ऑफ द इवेंट बस ऐसा। तो वेन्यू पे हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हो सब लोग एंट्री कर रहे हैं। प्रांजल भाई आ गए इसलिए हम लोग थोड़ा साइड में खड़े हैं, वरना प्रांजल से पता चले सब लोग आ जाए और हमें और झेल ले कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो बस अभी एंट्री करते हैं। क्या तैयारी की है ना इन्होंने, जोरदार यार जोरदार। भाई आप एक बार माहौल देखो, माहौल बहुत खतरनाक हो रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे सब आ चुके हैं। यहाँ पे ये देखो, ये स्पेशल आदमी आपको दिख जाएंगे सारे के सारे। बहुत प्यारा का प्यारा सेटअप हो रखा है। सो ये हमारे 1 साल पुराने मेंबर मिल गए हमें यहाँ पे, हर्षित भाई। सो स्वीट ऑफ यू ब्रदर यार, सो स्वीट ऑफ यू, मीन्स अ लॉट यार। अरे आई लव यू टू ब्रदर, थैंक यू सो मच, मीन्स वर्ल्ड टू मी। आगे चल रहा है इवेंट पर अक्षत भाई, प्रांजल भाई और अरविंद भाई को हम बात करनी थी। हम थोड़ा सा चिट चैट कर लेते हैं वॉशरूम ब्रेक के नाम से, क्योंकि ये बहाना सब जगह चलता है स्कूल टाइम से, राइट? अरविंद सर को देखो बीच के बातों में लेके चले गए, इनके बहुत चाहने वाले। अब देखो चाहने वाले ले जा चुके हैं इन्हें। ये है अरविंद, ए टू मोटिवेशन की पावर, फैमिली की पावर। ये मैं स्टेज के सामने भी बोलूंगा और स्टेज के पीछे भी बोलूंगा। थैंक यू सो मच। और आप अभी इन्हें सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि ही इज सच अ वंडरफुल पर्सन। सो आनंद जी आपकी स्टोरी कुछ शब्दों में आप प्लीज हमारी ऑडियंस को सुनाइए। पुष्कर भाई क्योंकि आप इतने प्यारे हो ना, इसलिए आपको सब प्यारे लगते हैं। थैंक यू सो मच फॉर सच अ स्वीट वेलकम, क्या बात है। देखो अभी ना मुझे पता है कि 3 बज गए, बट अभी आपको देखिए मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सुबह के 3 बजे है। मैं प्रवचन दे रहा हूँ, भक्तजन श्रद्धा में लीन है। प्लीज आप लोग थोड़ा हंस सकते हैं, आप थोड़ा लाइक कर सकते हैं, हम लोग चिल करेंगे, बातचीत करेंगे। मेरी अगर फाइनेंस की जर्नी की बात करें ना, तो मैं ना सीए किया, सीएफए किया, सीएसपी किया मुंबई में। तो मैं मुंबई में सारे इंटेलेक्चुअल लोग, धीरे धीरे बोलो, समझ नहीं आया लोगों को ये वाली कौन सी डिग्री होती है, नहीं पता लोगों को। नहीं आई एम वेरी श्योर यहाँ पे जो बैठे हैं ये लोग मुझसे ज्यादा पढ़ेंगे और मुझसे ज्यादा अच्छा करेंगे। मेरी सीए हुआ, सीएफए हुआ, सीएफपी हुआ, एंड आई वाज अमंगस्ट ऐसे लोग जो काफी फाइनेंस के बारे में जानते थे। मैंने अज्यूम कर लिया कि इनको पता है, मुझे पता है, तो सबको पता है। मैं आया कोटा, हमारे वहां पे कंपनी थी इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड, वो कंपनी हो जाती है बंद। उनके हर एक एम्प्लॉइज को पिछले 10 सालों से शायद जो उनकी एक्चुअल सैलरी थी उनकी डिवाइड बाई 10 भी नहीं मिल रही थी। एक साथ उनको बिकॉज कंपनी बंद हो रही है, ग्रेचुटी ये वो सब मिल मिला के हर एक पर्सन को रफली 50-60 लाख रुपीज मिनिमम मिला है, और 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए मिले थे। एक पर्सन मेरे ऑफिस में आता है, वो सेटिंग इन माय ऑफिस, मेरे ऑफिस में आते हैं, फटी हुई शर्ट, बिल्कुल एक आप समझो एक बाहर निकल रही है एक अंदर है, पैंट पुराने वाली जो बीच में स्टेबल ऐसे लगती थी, और पुरानी पैंट और चप्पल, हवाई चप्पल पहन के मेरे ऑफिस में आए। बोले मेरी वाइफ बीमार है,
मेरे पास 75 लाख रुपए है यहाँ पे लगे हुए हैं, मुझे रिक्वायरमेंट है 25,000 रुपए की, 50,000 रुपए दे दोगे तो मेरा सारा काम हो जाएगा, मैं क्या कर सकता हूँ। ऑल हिज मनी वॉज इन अ इंश्योरेंस प्रोडक्ट जिसको वो अगले 10 साल तक टच नहीं कर सकते। एक ऐसे जने जिनको शायद पिछले 10 सालों में 1 लाख से ऊपर का कैपिटल एक बार में मिला नहीं था, एक साथ 75 लाख रुपए मिले थे, उनको जरूरत पड़ी थी बट क्योंकि एक मिससेलिंग हो चुकी थी वो उस समय कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। देन आई रियलाइज किया जितना मुझे लगती है सारी लाइफ ग्रीन ग्रीन है, इतनी ग्रीन नहीं है। लेट अस डू समथिंग फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी के फिजिकल सेशंस करने स्टार्ट करे। वी कंडक्टेड मोर देन 250 सेशंस। राजस्थान गवर्नमेंट ने 2 बार अवार्ड किया कि ये आप फाइनेंशियल लिटरेसी स्प्रेड कर रहे हैं। और उसके बाद रियलाइज हुआ व्हाट नेक्स्ट, हाउ टू मेक इट बिग। हम शायद मैं ऐसे फिजिकल सेशंस करता रहूंगा तो शायद 1 लाख 2 लाख 5 लाख वहां पे एंट्री होती है यूट्यूब की। बाय द वे मेरे यूट्यूब के पहले 1000 सब्सक्राइबर्स है ना, यहाँ पे हर एक जना जो बैठा है मैं उनको सिर्फ इतना कहता हूँ, मंजिल तो मिल ही जाएगी देरी से ही सही, भटके तो वो है जो राह के लिए निकले ही नहीं। पहले 1000 सब्सक्राइबर बनाने के लिए हमारे कोटा में एक एरा ऑफ एलिगेंस नाम की एक एग्जीबिशन होती है। मैं एग्जीबिशन में गया, मैंने लोगों को कहा कि सर एक बहुत अच्छा चैनल है, मैं आपको सब्सक्राइब करके देता हूँ। मैंने वहां पर 2 दिन सुबह 9 बजे से लेकर रात में 9:30 बजे तक 1000 लोगों के मेरे चैनल सब्सक्राइब करवा दिए थे। और उसके बाद मेरे जब दोस्तों को पता चला कि भाई मैं YouTube पे आ गया हूँ, मेरे दोस्तों ने ये अज्यूम कर लिया बिकॉज मैं एक बहुत अच्छा 30-35 लाख का पैकेट छोड़ के कोटा में अपने फैमिली बिजनेस करने आया था, उन्होंने अज्यूम कर लिया कि आनंद का तो ब्रेकअप हुआ है, मुंबई में उसका दिल टूटा है और दिल टूटने के कारण वो देवदास मोड में आ चुका है, इसलिए कोटा जाके ये कुछ तो उसने टाइम पास स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट ओपिनियन है, व्हेन यू आर क्रिएटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम कभी अपने दोस्तों को शेयर मत करना, रिलेटिव को गलती से भी शेयर मत करना, वो आपके पूरे वीडियो का एंगेजमेंट खराब कर देंगे। वो आपका वीडियो खोलेंगे 2 सेकंड में बंद कर देंगे, आपका एंगेजमेंट खराब हो गया। ऐसी अफवाह होगी कि भाई ब्रेकअप के कारण ये गया है कोटा और इसने पता नहीं कुछ टाइम पास स्टार्ट कर दिया है। एंड आई होप शायद कुछ लोग तभी फॉलो करते होंगे। सो इनिशियल जर्नी आपकी हमेशा डिफिकल्ट रहेगी, जब तक आप कुछ काम कर रहे हो और आपको 2-5 लोग बोल नहीं दे यार तो क्या पागल गया यार क्या कर दिया, कुछ दिक्कत चल रही है ना लाइफ में, इसलिए करना पड़ा ना ये। तब तक समझ लेना कि शायद इतना बड़ा नहीं कर रहे कि लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा। जब ये बात हुई फिर धीरे धीरे ग्रो होना स्टार्ट हुआ। मेरी टर्निंग पॉइंट था, आई थिंक मुझसे टैलेंटेड लोग यहाँ पे बैठे हैं, मुझसे बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग सामने भी बैठे हैं, मुझे सिर्फ एक चीज आती है, दैट इज कर्म। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मैं कर्म प्रधान हूं। मैं मानता हूं कि मेरी जितनी भी फैमिली है एक तो आशीर्वाद जरूर है, जब भी मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कुछ मिलता है आई थिंक कोई सुपर पावर की वजह से मिला है, शायद मेरे माँ बाप का आशीर्वाद हो, भगवान की कोई दुआ हो या कहीं ना कहीं कुछ क्लिक हो गया हो। और दूसरा सर कर्म, YouTube पे अगर किसी को भी लगता है या किसी भी सोशल मीडिया पे लगता है कि नहीं हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने Instagram स्टार्ट किया है और मैं बिल्कुल बिगनर हूँ Instagram पे। Instagram मैंने स्टार्ट किया बिकॉज मेरे एक बहुत प्यारा फ्रेंड है राज शमानी, ही वाज लाइक कि आनंद भाई आपको Instagram पे आना चाहिए, आप आओगे तो तबाही मचाओगे। मैंने कहा चलो स्टार्ट करते हैं। 2 महीने हो गए मैं डेली एक वीडियो डाल रहा हूँ, अब मुझे नहीं पता किस दिन वो क्लिक करेगा, बट अगर अगले 2 साल भी डालना पड़े तो मैं डालूंगा। दिस इज माई ओनली थिंग, आप अगर कर्म प्रधान बना लोगे तो किसी भी सोशल मीडिया पर छोड़िए, किसी भी करियर में भी आप सक्सेसफुल हो जाओगे। स्किल के ऊपर कभी मत खेलना और लक के ऊपर तो गलती से भी मत करना, लक भी वेट कर रहा है किस दिन आप काम करना स्टार्ट करोगे। थैंक यू सो वेरी मच आनंद जी, थैंक यू यार, मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिला भाई। ये देखो कितना प्यार कर रहे हैं सारे के सारे। क्या करते सर ऐसे कैसे हुआ? कुछ यूं कि हमें आना था नीचे, आनंद सर ने बुलाया था और वो नीचे लिफ्ट आई नहीं, उसकी वजह ऊपर चली गई और फिर हमने फायर एग्जिट का दरवाजा खोल के उसमें से आने की कोशिश करी जल्दी। और पता लगा उसका वो अंदर तो आ सकते लेकिन बाहर नहीं जा सकते, वो हैंडल लॉक्ड है। मैं हमेश ही कह रहा था बोलो वॉश टाइम आ रहा है बोलो। मैं ये सोच रहा था सबने सब कुछ बोल दिया, अब बचा क्या मेरे पास, तो ढूंढ स्टोरीज निकाल के।
अरे अभी मतलब ढूंढने के बाद ही निकला है और बाय चांस पहला इनका अगली बार सागर बंधन हाँ, करेंगे कोई बात नहीं जी एग्जैक्टली गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज के नए व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम फाइनली दिल्ली छोड़ के सब अपने अपने गांव में जाने वाले हैं, शहर में जाने वाले। सो विशान भाई है, सतीश भाई है, ब्रेकफास्ट करने नीचे आ गए, पर पता चला नीचे एक इंडिया टुडे का कोई इवेंट है जिसके लिए हम ऊपर जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। ढूंढ रहे ब्रेकफास्ट कहाँ करें। इन द हाउस फाइनली, थैंक यू भाई। मॉर्निंग हो यार आप, सुबह रात शाम जमते हो एकदम यार। पुष्कर भाई के घर पे आ चुके हो, इतनी खातिरदारी चल रही है। अभी तो बोला गया है कि स्नैक्स है भाई, ये स्नैक्स है तो खाने में क्या खिलाओगे? ये स्नैक्स ही है भाई, ये हमारा तो लंच हो गया। आपको लग रहा है लंच हो गया, अभी तो शुरू हुआ। भाई कुछ बहुत बड़ा आने वाला है चैनल पे राइट ना, अगले 6 महीने में तबाही मचा रहे हैं। और जितना मैं इनके आइडिया सुन रहा हूं ना, उतना मुझे पावर मिल रही है यार कुछ अच्छा करना चाहिए। मैं क्या दिखाता हूं यहां पे, आनंद भाई इज इन द हाउस एंड आई एम सो हैप्पी यार, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। ब्यूटीफुल प्लेस, थैंक यू एंड अमेजिंग हॉस्पिटैलिटी, मजा आ गया। मतलब नहीं यार, तो ये जब आप कह रहे हो कि ये स्नैक्स है तो मैं तो बोल रहा हूं कि भाई ये मेरा लंच डिनर सब हो चुका है। नहीं नहीं नहीं, अभी लंच करेंगे बैठ के यार, अभी तो आए हैं, अभी टाइम भी देखो क्या हो रहा है, 1:30 तो बजा है। मजा आ गया, थैंक यू यार, थैंक यू। तो राहुल सर ने हमारे यहां पे शूट किया है, ये बहुत ही प्यारा स्टूडियो आप देखो, ऐसा स्टूडियो आपने यहाँ तो मूवीज में देखा होगा या फिर टीवी चैनल पे देखा होगा या हमारे राहुल भैया के यहाँ पे देखा होगा। दो दिन से हमारी खातिरदारी कर रहे हो, आज यहाँ पे आ गए, थकते नहीं हो? बस जी चलता है, पावर सर के सब पास है। हाँ यार, ये इनकी पावर बहुत अलग है, भाई का गला खराब है, भाई थोड़ा सा थके हुए हैं, 3 दिन से सोए नहीं है और फुल पावर में वीडियो बनाया, और मैंने शायद इतने पावर में कभी वीडियो नहीं बनाया जितना यहाँ पे बनाया। नहीं, आप बहुत पावरफुल इंसान हो यार, हम तो मजा आ गया यार। सो जस्ट मैं भी ट्रेन में पहुंचा हूँ भाई, देखो इतना तूफान आया था ना कि बैंड बच गई थी। मेरे हाथ में एक ट्रॉफी भी थी जो पुष्कर भाई ने दी थी कॉन्क्लेव में, वो ट्रॉफी उड़ते हुए गई एक साइड। मेरे सामान आ गए, जस्ट आके मैंने चेंज किया है ट्रेन में, अब सीधा कोटा जाएंगे, रिलैक्स करेंगे।